उसके संबंधित कुछ बातें लेकर आपके सामने आया हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि आपको पता है कि नोट्स मेरे अभी तक बेहतर रहे या नहीं, लेकिन आप लोगों ने जो फीडबैक दिया है कि मेरे नोट्स काफ़ी बेहतर रहे हैं। बेहतर तक तो जो था वो काफ़ी सुनने में भी अच्छा लगता था और मेहनत भी कम करते थे उस हिसाब से, लेकिन उसमें एक समस्या उत्पन्न हो रही है कि कुछ लोग मेरे नाम पे मार्केट में नोट्स बेच रहे हैं। कुछ फ़ोटोस्टेट की दुकान वाले, कुछ कोचिंग संस्थान वाले और कुछ और लोग हैं जो मेरी नोट्स को दे रहे हैं, बता रहे दुर्गेश सर की नोट्स है। तो आपको बता दें कि मेरी नोट्स केवल मेरी संस्था से और मेरे द्वारा यहाँ से जो पोस्ट किया जाएगा वही नोट्स मेरे हैं। बाकी यदि आप कहीं से नोट्स लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो नोट्स कैसे होंगे, क्योंकि उसके बाद मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है कि आपको नोट्स कौन दिया, कहाँ से दिया। सबसे बड़ी बात है कुछ लोगों ने हमारी पुरानी नोट्स जो पिछले सत्र की थी वही नोट्स को अब मार्केट में दे रहे हैं और भेज रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और यहाँ तक कि वो वाटरमार्क भी मेरा यूज कर रहे हैं। इस बार थोड़ा सा मैंने परिवर्तन किया, वाटरमार्क में कुछ चेंज भी किया है, लेकिन फिर भी लोगों की सोच, लोगों की पहुँच कहाँ तक है मैं नहीं जानता। तो इसलिए इस बात को आप भली भांति परिचित रहिएगा कि यदि आपको मेरे नोट्स पे भरोसा है, यदि हम पे नोट्स पे भरोसा है, तो आप केवल जो 6306344367 कॉल करने के बाद वहाँ से जो भी आपको मिलेगा, यहाँ से ये मेरे ऑफिस का नंबर है जो हमारे छोटे भाई इसको यूज करते हैं, वही आपको नोट संबंधी सारी जानकारी देंगे और यहीं से जो आपको नोट्स प्राप्त होगी वही नोट्स वास्तव में मेरी होगी। बाकी यदि कहीं से आप नोट्स लेते हैं तो उसमें आपकी स्वयं की जिम्मेदारी बनेगी। साथ ही साथ यदि किसी अन्य प्रकार की समस्या होती है आप हमें 9506701777 पर हमें कॉल कर सकते हैं या मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मुझे रेयर केस में करिए, क्योंकि मैं आपको जानते हैं लिखने पढ़ाने में से थोड़ी तबीयत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पेट में समस्या होने की वजह से, मौसम की वजह से दिक्कत हो रही है, इसलिए आपको जरूरत लगे बहुत ज़्यादा तब कॉल करिएगा, अन्यथा नहीं। ये 9506701777 है, ये फाइन है, एक बार। दूसरी बात, यदि आपने मेरी नोट्स ले लिया है तो आपके लिए एक बात है कि आप इस नंबर पर कॉल करके उन्हें ये बता दीजिएगा कि नोट्स की एक अलग से ग्रुप होगी जो टेलीग्राम पे होगा, वहाँ आपको जोड़ दिया जाए, क्योंकि बड़ी बात यह है कि टेलीग्राम पे एक ग्रुप मिलेगा, वहाँ इस नंबर पे आप कहिएगा तो आपको तुरंत जोड़ देंगे यदि आपने नोट्स लिया होगा। कारण क्या, यदि आप नोट्स लेंगे सबसे बड़ी बात यह है कि नोट्स जो बनाए गए हैं वो मैंने बनाए हैं, तो मुझे ये बताना है कि नोट्स आपको कैसे पढ़ना है और सभी को डिस्क्राइब भी करना है, क्योंकि महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि नोट्स कैसा है, साथ में ये बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि नोट्स को कैसे पढ़ना है, कैसे स्कोर करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया, सर आपके नोट्स तो हमने ले लिए, हमने पढ़ना भी शुरू कर दिया, कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा प्रश्न कैसे बनेंगे। तो इस सब के लिए एक काम आपको करना होगा, यदि आप सीटेट के लिए, अगर मैं सीटेट की बात करें, आप सीटेट के लिए मेरी नोट्स अगर आप ले रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप पिछले 11 से 16 तक के पेपर और 18 सभी पेपर अपने पास रख लें, एक बार पूरा पेपर पढ़ लें, एक बार सारी क्वेश्चन पढ़ लें, उसको सॉल्व मत करिए, सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद मेरे नोट्स पढ़ना शुरू करिए, फिर उसके बाद आप पिछले प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करिए, आप खुद लग जाएगा कि आप 120 प्लस जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है, आपको देखेंगे पूरी चीज़ें। क्योंकि सीटेट क्या है, वो ये नहीं है कि आपको याद करवाएगा, वो उसमें जो नोट्स मेरे वो ये बताएगा एक अध्यापक के एक गुण क्या होते हैं एक विद्यार्थी शिक्षार्थी के, बस उसी चीज़ को पूरा पढ़ा है, उसी के हिसाब से नोट्स है। इसमें कुछ चीज़ें एनसीईआरटी की हैं, कुछ एनसीईआरटी से बनवाई गई हैं, और सारी चीज़ें आपका सबमिशन आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको इसी नंबर से संपर्क कर लेना होगा, अन्य कहीं से नहीं। फिर भी अगर आपको कुछ नोट्स अभी कल या परसों तक कुछ ऐसे नोट्स जो आपको हम उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे, जो नोट्स को, क्योंकि लोग कहते हैं सर का शुल्क क्यों है, क्योंकि बताइए एक पन्ने के नोट्स बनाने के लिए ना कितनी मेहनत करनी पड़ती, शायद आपको ये नहीं पता। लोग पूछते हैं कि सर पीडीएफ भेज दीजिए, सर ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए, आप कभी एक बुक लिख कर देखिए, एक छोटी सी किताब लिख कर देखिए, कितना समय बर्बाद होता है, उसे टाइपिंग होती है, कितनी किताबें खंगाली जाती हैं, तब जाकर मिलता है। लेकिन हम आप लोग कहते रहे नहीं नहीं हमको दे दीजिए, हमें भेज दीजिए, तो आप स्वयं समझदार हैं, क्योंकि हम 700-800 रुपये लगाकर फॉर्म अप्लाई करते हैं और परीक्षा इस उम्मीद से देते हैं कि हम क्वालिफाई हो जाएंगे, मार्केट से 500-700 रुपये किताबें लाते हैं, एक किताब पढ़ते हैं, जो हमारे नोट्स होते हैं कम से कम 25-30 किताबों को मिश्रण होते हैं, कई किताबें हम भी क्या हम खुद लिख बनाते थोड़ी ना, हम भी कई किताबों से निकालते, कुछ किताबों से पेज लेते हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, कुछ जगह से अलग अलग फैक्ट उठाते हैं, तब हम आप तक पहुंचाते हैं। आपको इतनी चीज़ें इकट्ठा करने के लिए कम से कम 2 साल का समय लगेगा, तब जाके इकट्ठा कर पाएंगे। तो इसलिए इस बात को भी आप समझते रहिएगा कि हाँ, और साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज इलर्निंग विद दुर्गेश, उसे भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे भी इलर्निंग विद दुर्गेश में दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए सर्च करके भी आप वहाँ जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी अगर टेस्ट देने के लिए, मैंने आज जल्दी पोर्टल आ गया है, आप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है ई-लर्निंग विद दुर्गेश, उसमें ज्योति मैम की फोटो लगी हुई है, वहाँ से आप जाकर उसे अपलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं, और जल्दी वहाँ पे सीटेट के पेपर भी उपलब्ध होंगे। तो इसलिए आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और मैंने आपके लिए बता दिया, अब आपकी इच्छा है। हाँ,
अब प्रश्न उठता है क्या सर आपके यूपी टेट सुपर टेट की भी क्या नोट्स प्रोवाइड है? जी हाँ, यूपी टेट सी टेट की नोट्स क्योंकि अभी ऑनलाइन बैचेस शुरू भी हो गई हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी समस्या हो गई थी क्योंकि मैडम की शादी भी थी, आपको जैसा कि पता भी हो गया है। हाँ, तो अब क्या दिक्कत है कि अब संभवतः 15 मई से यूपी टेट सुपर टेट की कंबाइंड क्लासेस चलेंगी, और जब 15 मई से चलेंगी क्लासेस तो आपको 15 मई से नोट्स भी मिलना शुरू होगा, क्योंकि इस समय केवल केवल सीटेट की नोट्स आपको डिस्पैच की जाएगी, और जो सीटेट की नोट्स ले लेंगे उन्हें यूपी टेट सुपर टेट के नोट्स में काफ़ी वरीयता मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने यूपी टेट में सीटेट में उन्हें मैंने प्रोवाइड करा दिया है। ठीक, खासकर उसमें जो बाल विकास का पोर्शन होता है वो मैं काफ़ी बेहतर तरीके से प्रयास कराया हूँ अब तक देने के लिए। उसमें सबसे बड़ा जो कई लोगों का योगदान है, इसमें ज्योति मैम का है, दीपक सिंह राजपूत जो आप उनका नाम भी सुना होगा, आप जानते भी होंगे, ललितपुर ढाट से हैं, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा उसके बाद उसको कलेक्शन करना, उसे मॉडिफाई करना, काफ़ी संघर्ष करने के बाद हम इस नतीजे तक पहुँचे हैं। लेकिन हाँ, अब आपके लिए बेहतर नोट्स कलेक्शन हो चुका है, आप कहीं अन्य से अगर आप नोट्स लेते हैं तो आप उसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। बहुत सारे लोग फेसबुक पे यहाँ पे डाल रहे हैं, लेकिन हम आपको बताएं मेरे नोट्स केवल आपको मेरे हाथ से मिल पाएंगे। और रही बात और जो मार्केट में बहुत सारे नोट्स हैं, तो फेसबुक पे व्हाट्सएप पे बहुत सारे नोट्स आते हैं और एक दूसरे को सब शेयर करते रहते हैं, लेकिन कभी आप देखिएगा वास्तविकता वो नोट्स की वो बहुलता नहीं होती, वो कीमत नहीं होती जो इन सबको बनाने में जितनी मेहनत जितनी समय लगी है तब हम आपको आज दे पा रहे हैं। आप सोचते हैं एक पेज के दाम कितनी है, सोचिए कि आपको अगर कल पेपर आवाज अगर उसका सलूशन एक पेज का मिले तो आप क्या करेंगे, कितना दे देंगे, पूछेंगे कितने का पेज है, नहीं पूछते आप। तो उसी तरह ये नोट्स है, इसकी पेज की कीमत नहीं होती, इसकी मैटर कंटेंट की कीमत होती है। तो लोग को लगता है क्या है कैसे है, तो अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आप ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप नोट्स भी ले सकते हैं आपकी इच्छा। जो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए उनके नोट्स हम आप पीडीएफ फॉर्मेट में देंगे, लेकिन जिन्होंने ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन किया है जिनको हार्ड कॉपी चाहिए तो वो हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं, बाकी जो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए उनके लिए केवल केवल पीडीएफ में मिल पाएंगे। क्योंकि बार बार ऐसा होता है, उन लोग कहते सर हमको क्यों नहीं मिलेगा, तो उनको बताया जाता है, बार बार साफ साफ लिखा जाता है कि उनको केवल पीडीएफ फॉर्मेट में ही मिल पाएगा, और पीडीएफ फॉर्मेट बना नहीं, एग्जाम के पहले पीडीएफ फॉर्मेट हम बनवा पाते हैं, कारण कि अभी बहुत सारे कुछ संस्थान ऐसे हैं जो हमारे नोट्स को लेके फिर प्रिंट करा के फिर अपने हिसाब से बेचते हैं। मेहनत मैं करूँ और कोई और करे, केवल ये अकेले की मेहनत नहीं होती, इसमें कितना समय कितना किताबें अध्ययन करनी पड़ती है तब जाके कहीं से कुछ कलेक्शन निकलता है। फिर भी आप सब मुझसे ज़्यादा समझदार हैं और कहीं ना कहीं आप भावी अध्यापक हैं, तो नोट्स के लिए बस मेरा इतना ही बात था कि नोट्स आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ से 6306344367 से लीजिएगा, टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज इलेनिंग विद दुर्गेश, यूट्यूब पे इलेनिंग विद दुर्गेश, जहाँ से आप जुड़े हुए हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कि बहुत सारे साथी आप कैसे होंगे जो ऑलरेडी नोट्स उन्होंने मेरे नाम पे ले लिया होगा, तो उनको मैं बता दूंगा आप भेज दीजिएगा ताकि वो कोई मूर्ख ना बनाने पाए। दूसरी बात, एनसीईआरटी की जो किताबें मैं उनका पूरा निचोड़ आपको निकाल के दे दिया हूँ, और मेरे अपने नोट्स में कच्चा 3-4-5 ईवीएस इतनी मोटी मोटी पढ़ेंगे इतना, लेकिन मैंने क्या किया उसे कुछ पन्नों में समेट दिया है, और इस तरह समेटा है कि आप जब पिछले ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे आपको खुद रहेगा अरे तो हूबहू पूछा गया है। तो बहुत बड़ी बात यह है, गणित का जो मैंने दिया है, गणित में क्या है केवल मैं आपको क्वेश्चन दे दिया है, उसको सॉल्व कैसे कराएंगे, इसलिए मैंने कहा इसे ग्रुप में जुड़े आएंगे तो मैं उसका सलूशन भी आपको उपलब्ध करा दूंगा कैसे सॉल्व करने, क्योंकि ये मेथड अगर आपको पता हो जाएगा एक एक टाइप के 10-10 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ बेहतर करने के लिए तैयार रहेंगे। बस इसीलिए मैं आपके साथ आया, क्योंकि तबीयत मेरी पूरी तरह सही नहीं है, तो मजबूरी है था काफ़ी दिन से, कुछ लोग कह रहे सर मैंने आपके नोट्स लिस्ट में आपके लोगों नहीं लगे वो नहीं लगे हैं, तो सबसे बड़ी बात मेरे नोट्स मेरे लर्निंग दुर्गेश का लोगों जरूर लगा होता है, साथ ही साथ फ्रंट पेज पे फोटो भी रहती है मेरी जैसा कि आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस तरह से कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनका काम है करने का, लेकिन आप भरोसा रखिएगा इस नंबर पे ही आपको नोट्स उपलब्ध हो पाएगा और जो मेरे यहाँ से डिस्पैच की जाएगी आपको, और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप तक पहुँचेगा, आपके घर तक पहुँचेगा, घर तक पहुँचने में 4 से 7 दिन का समय मूवमेंट लगता है, वर्किंग डेज 4 से 7 वर्किंग डेज का समय लगता है। तो बस इसी के साथ आप सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, आप अपनी परीक्षा की आगामी तैयारी करते रहिए, आप देश के भावी भविष्य है, आगामी परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद अगली परीक्षा के लिए आपके लिए राह ज़्यादा कठिन हो जाएगी, क्योंकि अब जो लड़ाई होनी है वो आपकी वास्तविक ओरिजिनल टी जो काबिलियत है आपकी उस काबिलियत लड़ाई होनी है, जिसके लिए आप सुपर टेट पढ़ना शुरू करें, और जो अभी कह रहे हैं कि मुझे यूपी टेट पढ़ना हो
सीटेड पहले फोकस करें। बहुत सारे लोग बार बार कहते हैं सर मुझे यूपीटेड पढ़ना है, पहले अगर आप सीटेड फोकस और सुपर टेड फोकस, अगर सीटेड नहीं होता तब यूपीटेड फोकस, पहले जो सामने उसको करिए। कहते हैं सर मैं थर्ड सेमेस्टर का हूँ उससे नहीं, अरे यार थर्ड सेमेस्टर को हो उससे मतलब नहीं है, एक बार परीक्षा पास करके आते हो आपकी जो धड़कन होती है सर ना, जो आपके अंदर की मोटिवेशन होता है वो खुद जाग जाएगा, अगली बार आप खुद से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपसे मैं पुनः एक बार कहूँगा कि आप परीक्षा पूरे मन से दीजिएगा, इस उम्मीद से यह आपके जीवन की अंतिम परीक्षा है। और इसीलिए मैंने आपके लिए नोट्स बनाना शुरू किए हैं, और ये नोट्स 6306344367 पर ऑनलाइन क्लासेज नोट्स सभी आपको यहाँ पे मिल पाएंगे। हार्ड कॉपी घर तक जाएंगे स्पीड पोस्ट से, और ऑनलाइन क्लास में सॉफ्ट कॉपी आपको मिलेगी, पीडीएफ फॉर्म में पीपीटी में के रूप में मिलेगी। बस इसी बात के लिए लेकर आया था, और मेरे नाम पे अन्य किसी संस्था से और अन्य कई जगह से अगर आप नोट्स लेते हैं इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, या किसी फोटोस्टेट की दुकान से या किसी अन्य जगह से, तो आप इसकी जिम्मेदारी स्वयं लीजिएगा। अगर आप सेंटर पर आकर लेना चाहते हैं तो मेरी जौनपुर जनपद में कोचिंग है, आप एक दिन पहले कॉल कर दीजिएगा। अगर आप जौनपुर जनपद के हैं तो आपको मोस्ट वेलकम। अब आप टीडी कॉलेज गेट के पास अनुपम रेस्टोरेंट के बगल में आएंगे, रोडवेज के पास, रोडवेज से मिला जुला के कुल 1000 मीटर की दूरी, 1000 तो मैं बहुत ज़्यादा, 500 मीटर की दूरी है रोडवेज से। आप टीडी कॉलेज गेट आइए, उत्तरी गेट, वहाँ से अनुपम रेस्टोरेंट के बगल में वेद कॉन्वेंट स्कूल पाइएगा, वहाँ पे आपको ये छोटी सी कुटिया आपको मिल जाएगी या गुरुकुल मिल जाएगा। उस गुरुकुल में कोई बैनर कोई पोस्टर नहीं है, क्योंकि आप पता है हम बैनरिंग पोस्टरिंग यहाँ पे नहीं करते, क्योंकि ये मुझे पता है अगर मैं मेहनत करूँगा वास्तव में मेरे नोट्स उस काबिल होंगे, मेरी क्लासेस उस काबिल होंगी। आप खुश तो जरूर आइएगा, अगर आप जौनपुर के हैं तो भी शेयर करिएगा सभी साथियों तक, या किसी भी जिले के सभी साथियों को इसलिए शेयर कर दीजिएगा क्योंकि मेरे नाम पे कोई अगर और नोट्स ले रहे हैं तो उसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। फिर हमें नहीं कि सर ये तो नोट्स आपके नहीं थे, आपने जो बताया उस टाइप के इसमें नोट्स नहीं थे, इसलिए आप अपने जिम्मेदार स्वयं होंगे। तो आप इस वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिएगा बड़ा, और हाँ शेयर करने के बाद एक चीज़ और है मैं आपको एक बता दूँ, कुछ नोट्स हम आपको पब्लिक भी कर देंगे, कुछ ऐसे नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल करिएगा सर्च के दुर्गेश सर, और थर्ड सेमेस्टर के साथ ही घबराने परेशान ना हो, थर्ड और सेकेंड की वीडियो जल्दी बनाऊंगी, थोड़ी समस्या ज़्यादा होने की वजह से मैं ज़्यादा टाइम खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं वीडियो जाकर नहीं बना पा रहा हूँ, ये भी वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो मैं अपनी जल्दी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मैं जिंदा हूँ, चिंता ना करें, जब तक मेरी अंतिम सांस चलती रहेगी और मेरा दिमाग मेरा हाथ सही सलामत रहेगा तो मैं आपके लिए 100% दूंगा। हाथ भी नहीं रहेगा मुंह चलता रहेगा फिर भी मैं आपके लिए अपना 100% दूंगा, आप इंतजार करिए, मैं जल्दी आपके लिए उपस्थित होऊंगा आपके सेवा में। तब तक आप इंतजार करिए, वीडियो लिंक को शेयर करिए, अन्य साथियों तक पहुँच जाए। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिएगा सभी साथियों तक पहुँचा दीजिएगा, और इंतजार करिएगा मेरे नोट्स का, नोट्स आपको यहीं से मिलेगी। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, जय हिंद जय भारत।